प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों के साथ संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लिया है। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने मंगलौर के लाठरदेवा गांव के मत्स्य पालक एक किसान से बात की। इस दौरान प्रधानमंत्री ने सभी दर्शकों को जय गंगे मैया के उद्घोष के साथ स्वागत किया। वहीं मत्स्य पालक किसान ने प्रधानमंत्री मोदी से वार्तालाप करते हुए समय बताया कि प्रधानमंत्री मत्स्य योजना के तहत ऋण लेकर मछली पालन का काम शुरू किया था। मछली पालन से किसान की आमदनी में दोगुना इजाफा हुआ। वहीं इस दौरान पीएम मोदी ने कार्यक्रम के दौरान सभी मौजूद लोगों को आत्मनिर्भर बनने का आश्वासन दिया है। साथ ही देश के प्रधानमंत्री मोदी ने अपने उद्बोधन में कहा कि देश के प्रत्येक व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाकर देश को विकसित बनाने का संकल्प लिया है। इस गांव के लोग जयबरेड़ा विधानसभा में सीधे प्रधानमंत्री जी ने संवाद किया है और गांव के मत्स्य पालक किसान जिसने नया उदाहरण पेश किया है प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से, उसके साथ सीधे बातचीत की है। ये जो प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प ये रथ चल रहा है, ये विकसित भारत संकल्प यात्रा, ये पूरे देश में इसका बहुत उत्साह है। स्थान स्थान पर हजारों हजारों लोग उसका स्वागत कर रहे हैं। जो लाभार्थी हैं, चाहे किसी को गैस कनेक्शन मिला, चाहे विद्युत कनेक्शन मिला, और चाहे फ्री राशन मिला, चाहे उसको पेंशन मिल रही है, आयुष्मान भारत का है, किसान सम्मान निधि का है।